नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद JR यूट्यूब चैनल में। सर्वप्रथम आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी इस वर्ष सकारात्मक विचारधारा के साथ अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करें। इस लक्ष्य प्राप्ति के लिए आपका आत्मविश्वास, आत्मबल, दृढ़ संकल्प, उचित दृष्टिकोण, चरम ऊर्जा के साथ आप में बना रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज की इस वीडियो से हम रिट की तैयारी शुरू करने जा रहे हैं, जो कि पहले आरटेट के नाम से जाना जाता था। ये जो रिट है ये पहले आरटेट के नाम से जाना जाता था, जिस तरीके से सीटेट होता है, यूटेट होता है, इसी तरीके से पहले ये आरटेट के नाम से जाना जाता था। वर्तमान में हम इसे रिट के नाम से जानते हैं, इसका नाम बदल कर रिट कर दिया गया है, तो इसको रिट के नाम से जानते हैं। और इस वीडियो में आपको रिट के बारे में संपूर्ण जानकारी विद सिलेबस दी जाएगी, तो बने रहिए आप इस वीडियो के साथ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो रिट है इसके दो लेवल होते हैं, लेवल वन और लेवल टू। लेवल वन जो है वो कक्षा एक से पाँच तक के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए दिया जाता है इसका एग्ज़ाम, लेवल वन का। और लेवल टू का जो एग्ज़ाम है ये कक्षा छः से आठ तक के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए दिया जाता है। दोनों अलग अलग है। लेवल वन हो गया वन टू फिफ्थ क्लास तक के लिए, और लेवल टू हो गया सिक्स टू एट क्लास तक के लिए। इस चैनल पर आपको लेवल वन और लेवल टू दोनों की तैयारी करवाई जाएगी। अतः आपसे निवेदन है कि आपने अभी तक यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले से सब्सक्राइब कर लें, और पास में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे जो मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। इसके अलावा यदि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। अब मैं आपको एक खुशखबरी बता देती हूँ कि जो लेवल वन है और लेवल वन लेवल टू दोनों जो हैं अब बीएड अभ्यर्थी दे सकते हैं। पहले क्या होता था, लेवल टू ही दे पाते थे ओनली, लेवल वन नहीं देते थे। लेकिन अब तक की जो नोटिफिकेशन है उसके आधार पर मैं आपको बता रही हूँ कि लेवल वन और लेवल टू अब दोनों ही बीएड अभ्यर्थी दे सकते हैं। आपने देखा होगा हाल ही में जो सीटेट एग्ज़ाम हुआ है उसमें भी बीएड अभ्यर्थियों ने लेवल वन उसका दिया था पेपर, तो अब लेवल वन जो है वो बीएड अभ्यर्थी भी दे सकते हैं। तो आप दोनों की तैयारी करिए, मेरी तो यही राय है। अगर इसमें कोई चेंजेस होगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगी, इसी चैनल पर अपडेट आपको मिलती रहेगी, तो आप ज़रूर से सब्सक्राइब भी कीजिएगा इस चैनल को। ये तो हो गई कुछ बेसिक जानकारियाँ, अब सिलेबस देख लेते हैं। कोई भी तैयारी जो हम एग्ज़ाम की करते हैं तो सबसे पहला हमारा काम है उसका सिलेबस देखना। सिलेबस बहुत ज़रूरी है, हमें पढ़ना क्या है वो हमें सिलेबस से ही पता चलेगा, तो सिलेबस देखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मैं आपको लेवल वन का सिलेबस बता रही हूँ, कक्षा एक से पाँच तक के जो अभ्यर्थी उनके लिए। और इसमें क्या है, भाग पाँच है। भाग वन में आपकी आएगी साइकोलॉजी, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इसमें होगा ये 30 क्वेश्चन आएंगे और 30 ही मार्क्स का होगा। भाग टू की बात करें तो भाग टू होगा भाषा वन। भाषा वन में आप कोई भी भाषा चुन सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश, जो भी ऑप्शंस में अवेलेबल है वो आप चुन सकते हैं। मैंने यहाँ पर हिंदी लिखा है क्योंकि मोस्टली होता यही है, जो हिंदी मीडियम्स के अभ्यर्थी हैं वो हिंदी फर्स्ट भाषा चुनते हैं। तो अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप फर्स्ट भाषा अपनी हिंदी ही चुनिए। 30 क्वेश्चन होते हैं और 30 मार्क्स के आपको क्वेश्चन मिलते हैं, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के। और भाग तीन की बात करें तो इसमें भी भाषा होती है लेकिन ये भाषा टू होती है। इसमें भी आपको ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, हिंदी भी मिलेगा, इंग्लिश भी मिलेगा, संस्कृत, ऐसे अलग अलग भाषाएँ मिलती हैं। आप जो भी आपकी लैंग्वेज है आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने सेकंड यहाँ इंग्लिश लिया है, हमारे जो वीडियोज़ हैं उसमें इसके अकॉर्डिंग ही पढ़ाई कराई जाएगी। मैंने भाषा जो वन है हिंदी है, वैसे सेम सा सिलेबस है, ज़्यादा अंतर नहीं है, आप एक बार देख लीजिएगा सिलेबस, मैं आपको आगे बता रही हूँ अभी। इसमें भाग तीन में मैंने भाषा टू इंग्लिश लिया है और ये भी 30 क्वेश्चन इसमें आएंगे आपके इंग्लिश के और 30 ही मार्क्स का होगा। भाग चार, भाग चार में आएगी आपकी गणित यानी कि मैथ्स, मैथ्स के भी आपसे 30 प्रश्न पूछे जाएंगे और 30 ही मार्क्स का होगा। भाग पाँच की बात करें तो भाग पाँच है EVS यानी कि पर्यावरण अध्ययन, और इसके भी 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो भी 30 मार्क्स के ही होंगे। तो इस तरीके से लेवल वन में आपके ये पांच भाग आएंगे, पांच भाग के ये अलग अलग सब्जेक्ट से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ये कंप्लीट आपका लेवल वन हो गया है। और टाइमिंग की बात करें तो आपको इसमें मिलेगा ढाई घंटे का समय, इसमें आपको ढाई घंटे का समय दिया जाएगा, और नो नेगेटिव मार्किंग यानी कि नेगेटिव मार्किंग इसमें आपकी नहीं होगी। ढाई घंटे का समय दिया जाएगा, 150 क्वेश्चन इसमें आपके आएंगे।
150 क्वेश्चंस आएंगे 150 मार्क्स के, यानी कि एक क्वेश्चन आपका एक क्वेश्चन एक नंबर का आपका इसमें होगा। अब बात करते हैं लेवल टू की। इसका मैं आपको कंप्लीट पूरा सिलेबस भी दिखाऊंगी, अभी पहले आप ये बेसिक सा देख लीजिए कितने भाग होते हैं, कितने मार्क्स का आता है और कितना टाइमिंग इसको में मिलता है आपको। लेवल टू की बात करें तो ये कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए होता है और इसके होते हैं भाग 4। भाग 1 में आपको मिल जाएगा वही साइकोलॉजी का पार्ट है, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, और सेम है जो 1 to 5 में हमें पढ़ना है वही सेम इसमें भी हमें पढ़ना है। तो ऐसा नहीं है कि मैं साइकोलॉजी के कोई चैप्टर बना रही हूँ तो वो आपके लेवल 2 में काम नहीं आएंगे, लेवल 1 में नहीं आएंगे, सेम ही है सिलेबस। तो मैं जो भी वीडियो साइकोलॉजी के अपलोड करूँगी आपके दोनों लेवल्स में काम आ जाएंगे, दोनों की तैयारी हो जाएगी। तो इसका है 30 क्वेश्चन आते हैं, वही 30 मार्क्स के होते हैं साइकोलॉजी का। और भाग 2 की बात करें वही लैंग्वेज होता है इसमें, लैंग्वेज 1 में वही मैंने हिंदी लिया है, 30 क्वेश्चन वही 30 मार्क्स के। भाग 3 में लैंग्वेज 2 में मैंने इंग्लिश लिया है, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के। और नेक्स्ट है इसका भाग 4 जो है ये सब्जेक्ट लिया है मैंने SST यानी कि सामाजिक विज्ञान। अगर आपके पास इसमें साइंस मैथ है तो आपका ये भाग जो 4 है वो साइंस मैथ हो जाएगा, वही 60 नंबर के आपके क्वेश्चन होंगे, 60 मार्क्स के होंगे इस तरीके से हैं, और नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। 2.5 घंटे का आपको समय मिलेगा टोटल, 150 क्वेश्चंस होंगे टोटल और 150 ही मार्क्स के होंगे ये। तो चलिए लेवल 1 का कंप्लीट सिलेबस देख लेते हैं। लेवल 1 में क्या क्या है, रिट यानी वो थर्ड ग्रेड टीचर के लिए होता है, और लेवल 1 जो है कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों के लिए हो गया है। टोटल मार्क्स हो गए 150, क्वेश्चन भी इसमें 150 आते हैं, टाइमिंग हो गया आपका 2.5 घंटे का। सबसे पहला भाग 1, भाग 1 में क्या आएगा, भाग 1 में साइकोलॉजी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं 30 और 30 ही मार्क्स के ये होते हैं। इसकी यूनिट्स बनी हुई हैं इकाई 1। इकाई 1 में क्या क्या है, क्या क्या आपको पढ़ना है इसके अंतर्गत देख लेते हैं। बाल विकास में वृद्धि और विकास की संकल्पना, विकास के सिद्धांत एवं आयाम, विकास को प्रभावित करने वाले तत्व, विशेषकर परिवार एवं विद्यालय के संदर्भ में एवं अधिगम से उनका संबंध। तो इसमें आपको ये टॉपिक्स पढ़ने हैं। नेक्स्ट है वंशकर्म एवं वातावरण की भूमिका। नेक्स्ट बात करें इकाई 2। इकाई 2 के अंतर्गत क्या क्या आएगा, अधिगम यानी कि लर्निंग, अधिगम का अर्थ एवं संकल्पना एवं प्रक्रियाएं, अधिगम को प्रभावित करने वाले तत्व। नेक्स्ट टॉपिक है अधिगम के सिद्धांत एवं इसके अभिप्रेत, और थर्ड है बालक में चिंतन एवं अधिगम और अभिप्रेरणा एवं अधिगम, ये सब आपको इसके अंतर्गत पढ़ना है। नेक्स्ट है इकाई 3। इकाई 3 में पढ़ना है आपको व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अर्थ, प्रकार व पहचान, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को भाषा, जाति, लिंग, समुदाय के आधार पर समझना, ये सब आपको इकाई 3 में पढ़ना है। व्यक्तित्व की संकल्पना, प्रकार व व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले तत्व व व्यक्तित्व मापन भी आपको इसके अंतर्गत पढ़ना है। नेक्स्ट है बुद्धि, बुद्धि से ये बुद्धि वाला चैप्टर भी आपको इसमें पढ़ना है। संकल्पना, सिद्धांत व इसका मापन, बहुआयामी बुद्धि एवं इसके अभिप्रेत, ये सब आपको इसके अंतर्गत पढ़ना है। इकाई 4 की बात करी जाए तो इकाई 4 में आपको पढ़ना है विविध अधिगमकर्ताओं की समझ, पिछड़े हुए, मानसिक रूप से पिछड़े, प्रतिभाशाली, सृजनशील, वंचित और अलाभान्वित, विशेष योग्य, ये इनके बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट है अधिगम की कठिनाइयाँ और समायोजन की संकल्पना एवं तरीके, समायोजन में अध्यापक की भूमिका, ये हो गया आपका इकाई 4 में ये टॉपिक्स पढ़ने हैं आपको। इकाई 5 की बात की जाए तो इकाई 5 में आपको शिक्षण अधिगम की प्रक्रियाएं, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के संदर्भ में, शिक्षण अधिगम की व्यू रचनाएं एवं विधियां, आकलन, मापन, मूल्यांकन का अर्थ, उद्देश्य, समग्र एवं सतत मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण का निर्माण, ये सब टॉपिक इसमें पढ़ने हैं। नेक्स्ट है क्रियात्मक अनुसंधान और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, और इसके अलावा है अध्यापकों की भूमिका एवं दायित्व, ये सब आपको इसमें पढ़ना है। ये टोटल हो गए आपके 5 यूनिट हैं, इसमें 5 यूनिट में आपको साइकोलॉजी का ये पूरा पढ़ना है। नेक्स्ट बात करें भाग 2 की, तो भाग 2 में हमने भाषा 1 ली है हिंदी, हिंदी का है, और इसमें मैंने आपको बता ही दिया है कुल प्रश्न 30 होंगे, कुल अंक 30 होंगे। सबसे पहले बात करें अपठित गद्यांश आएगा इसमें आपका, अपठित गद्यांश में निम्नलिखित
व्याकरण संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे, शब्द ज्ञान का, तत्सम का, तद्भव, देशज, विदेशी शब्द, ये सब इसमें पूछे जाएंगे। इसके अलावा आपसे पर्यायवाची, विलोम, एकार्थी शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय, ये सब पूछे जाएंगे इसमें। सेकंड नंबर पे देखते हैं, एक अपठित गद्यांश पूछा जाएगा। निम्नलिखित बिंदुओं पर प्रश्न बनेंगे इसमें, रेखांकित शब्दों का अर्थ स्पष्ट करना, वचन, काल, लिंग ज्ञात करना। इसके अलावा दिए गए शब्दों का वचन, काल और लिंग बदलना, ये सब आपसे प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे हिंदी में। और थर्ड में बात करें तो वाक्य रचना भी पूछी जाएगी इसमें, और वाक्य के अंग, वाक्य के प्रकार, पदबंध, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, ये भी पूछे जाएंगे। इसके अलावा भाषा की शिक्षण विधि, भाषा शिक्षण की उपागम, भाषा दक्षता का विकास, ये सब भी पूछे जाएंगे। और इसके अलावा 5 नंबर पे है, भाषाई कौशलों का विकास, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, हिंदी भाषा शिक्षण में चुनौतियाँ, शिक्षण अधिगम सामग्री, पाठ्य पुस्तक, बहुमाध्यम एवं शिक्षण के अन्य संसाधन, ये प्रश्न इससे संबंधित प्रश्न भी पूछे जाएंगे। इसके अलावा भाषा शिक्षण में मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण का निर्माण, समग्र एवं सतत मूल्यांकन और उपचारात्मक शिक्षण, ये सब आपसे इसमें पूछे जाएंगे। ये हो गया आपका हिंदी का कंप्लीट सिलेबस, ये सब पूछा जाएगा आपसे। आगे हम बात करें तो भाग 3 भाषा 2, भाषा 1 हमने हिंदी ले ली, भाषा 2 हम ले रहे हैं इंग्लिश। इंग्लिश में भी वही आपके कुल प्रश्न 30, कुल अंक 30, इसमें आएगा आपका अनसीन प्रोस पैसेज, इसमें आएगा पूछा जाएगा आपसे लिंकिंग डिवाइस, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड और इन्फ्रेंसेस। नेक्स्ट है अनसीन पोयम, इसमें आपसे एक पोयम भी पूछी जाएगी अनसीन पोयम। और आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्ट्रेशन, सिमिल, मेटाफो, पर्सनल पर्सोनिफिकेशन और एजुनेंस राइम, ये आएंगे। इसके अलावा मॉडल, ऑक्सिलरी फ्रेजल वर्ब और आइडियम्स, लिटरेसी टर्म्स, एलिजी, सोनेट, शॉर्ट स्टोरी, ड्रामा, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसके बाद है बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश, साउंड्स की नॉलेज पूछी जाएगी, देयर फोनेटिक्स ट्रांसक्रिप्शंस पूछे जाएंगे, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश, कम्युनिकेटिव अप्रोचेस टू इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, चैलेंजेस ऑफ टीचिंग इंग्लिश, फिर लैंग्वेज डिफिकल्टीज, एरर्स एंड डिसऑर्डर्स, ये सब इसमें पूछे जाएंगे आपसे। 6 है मेथड्स ऑफ इवोल्यूशन रेमेडियल टीचिंग, ये आएगा। ये हो गया है आपका इंग्लिश का लैंग्वेज 2। नेक्स्ट है भाग 4, भाग 4 आपका आएगा गणित से संबंधित, इसमें आपसे थोड़ी सी मैथ भी पूछी जाएगी, कुल प्रश्न आपके 30 होंगे, अंक भी इसमें 30 ही दिए जाएंगे। तो पहले नंबर पे है 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्याएं, स्थानीय मान, तुलना, गणितीय मूल संक्रियाएं, जोड़, बाकी, गुणा, भाग, भारतीय मुद्रा, ये सब आप इसमें पूछा जाएगा। फिर है भिन्न की अवधारणा, उचित भिन्ने, समान हर वाली उचित भिन्नों की तुलना, मिश्र भिन्ने, असमान हर वाली उचित भिन्नों की तुलना और भिन्नों की जोड़, बाकी, अभाज्य एवं संयुक्त संख्याएं, अभाज्य गुणनखंड, लघुतम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्त्य, ये सब इसमें पूछा जाएगा। नेक्स्ट है एक एक नियम, औसत, लाभ हानि, सरल ब्याज, ये सब भी इसमें आएगा। 4 है समतल व वक्रतल, समतल व ठोस, ज्यामितीय आकृतियां, समतल ज्यामितीय आकृतियों की विशेषताएं और बिंदु, रेखा, किरण, रेखाखंड, कोण व उनके प्रकार, ये सब इसमें पूछे जाएंगे। इसके अलावा लंबाई, भार, धारिता, समय, क्षेत्र मापन एवं इनकी मानक इकाइयां एवं उनमें संबंध, वर्गाकार तथा आयताकार वस्तुओं के पृष्ठतल का क्षेत्रफल एवं परिमाप, ये से इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर है गणित की प्रकृति व तर्क शक्ति, पाठ्यक्रम में गणित की महत्ता, गणित की भाषा, सामुदायिक गणित, ये सब प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा है औपचारिक एवं अनौपचारिक विधियों द्वारा मूल्यांकन, शिक्षण की समस्याएं, त्रुटि विश्लेषण एवं शिक्षण एवं अधिगम से संबंधित निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण, इससे संबंधित प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। तो ये हो गया आपका गणित का पूरा सिलेबस। नेक्स्ट है भाग 5, भाग 5 है आपका पर्यावरण अध्ययन का, यानी कि EVS, इसमें भी आपके कुल 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, 30 ही अंक का होगा।
देखिए इसमें सबसे पहला टॉपिक है परिवार। इसमें परिवार से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें है आपसी संबंध, एकल व संयुक्त परिवार, सामाजिक बुराइयां जैसे कि बाल विवाह हो गया, दहेज प्रथा हो गई, बाल श्रम हो गया, चोरी हो गई, इस प्रकार से ये सामाजिक बुराइयां, इनसे संबंधित प्रश्न बनेंगे। दुर्व्यसन यानी कि नशाखोरी, धूम्रपान, इनसे क्वेश्चन बनेंगे और इनके व्यक्तिगत, सामाजिक और आर्थिक दुष्परिणाम से भी क्वेश्चन बनेंगे। इसके अलावा वस्त्र एवं आवास, इससे पूछे जाएंगे प्रश्न। विभिन्न वस्त्र ऋतुओं में पहने जाने वाले वस्त्र, घर पर वस्त्रों का रख रखाव, हस्तकरघा तथा पावर लूम, जीव जंतुओं के आवास, विभिन्न प्रकार के मानव आवास, आवास और निकटवर्ती स्थानों की स्वच्छता, आवास निर्माण हेतु विभिन्न प्रकार की सामग्री, इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। दूसरा है व्यवसाय, व्यवसाय से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। अपने परिवेश के व्यवसाय यानी कपड़े सिलना, बागवानी, कृषि कार्य, पशुपालन, सब्जी वाला आदि, ये सब इनसे व्यवसाय से प्रश्न बनेंगे। इसके अलावा लघु व कुटीर उद्योग, राजस्थान राज्य के प्रमुख उद्योग और उपभोक्ता संरक्षण की आवश्यकता और सहकारी समितियों से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है सार्वजनिक स्थल व संस्थाएं। सार्वजनिक स्थल जैसे विद्यालय, चिकित्सालय, डाकघर, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, सार्वजनिक संपत्ति जैसे कि रोड लाइट, सड़क, बस, रेल, सरकारी इमारतें आदि। इसके अलावा विद्युत और जल का अपव्यय, रोजगार नीतियां, पंचायत, विधानसभा और संसद की सामान्य जानकारी, इनसे संबंधित भी प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है हमारी सभ्यता और संस्कृति। हमारी सभ्यता और संस्कृति में मेले, त्योहार, राष्ट्रीय पर्व, राजस्थान राज्य की वेशभूषा, खान पान और कला व क्राफ्ट, राजस्थान के पर्यटन स्थल और राजस्थान की प्रमुख विभूतियाँ, इनसे भी हमारे प्रश्न बनेंगे एग्जाम में। और थर्ड है परिवहन और संचार। परिवहन और संचार में यातायात और संचार के साधन, सड़क पर चलने और यातायात के नियम, संचार साधनों का जीवन शैली पर प्रभाव, इनसे संबंधित प्रश्न बनेंगे। इसके अलावा अपने शरीर की देखभाल, इसके अंतर्गत आते हैं शरीर के बाह्य अंग और उनकी साफ सफाई, शरीर के आंतरिक तंत्रों की सामान्य जानकारी, संतुलित भोजन की जानकारी और इसका महत्व, सामान्य रोग, आंत्रशोथ, अमीबायोसिस, मेट, हीमोग्लोबिन, एनीमिया, फ्लोरोसिस, मलेरिया, डेंगू, इनके कारण और बचाव के उपाय, इसके अलावा पल्स पोलियो अभियान, इनसे संबंधित भी प्रश्न बनेंगे। नेक्स्ट है सजीव जगत। सजीव जगत में आएगा पादपों और जंतुओं के संगठन के स्तर और सजीवों में विविधता, राज्य पुष्प, राज्य वृक्ष, राज्य पक्षी, राज्य पशु, संरक्षित वन क्षेत्रों जैसे राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, बाघ संरक्षित क्षेत्र, विश्व धरोहर की जानकारी, पादपों तथा जंतुओं की जातियों का संरक्षण, खरीफ और रबी की फसलों की जानकारी, इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा है पदार्थ एवं ऊर्जा। पदार्थों के सामान्य गुण, रंग, अवस्था, तन्मयता, घुलनशीलता, विभिन्न प्रकार के ईंधन, ऊर्जा के विभिन्न रूप और इनका एक दूसरे में रूपांतरण, दैनिक जीवन में ऊर्जा के उपयोग, प्रकाश के स्रोत, प्रकाश के सामान्य गुण, इनसे संबंधित भी प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा है वायु, जल, वन, नम भूमि और मरुस्थल की मूलभूत जानकारी, विभिन्न प्रकार के प्रदूषण, राजस्थान के नवीकरणीय तथा अनवीकरणीय संसाधन और इनके संरक्षण की अवधारणा, मौसम, जलवायु और जल चक्र, इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। और फिफ्थ यूनिट है पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र एवं संकल्पना, पर्यावरण अध्ययन का महत्व, समाकलित पर्यावरण अध्ययन और पर्यावरण शिक्षा के अधिगम सिद्धांत, विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान के साथ अंतर संबंध एवं क्षेत्र, संकल्पना प्रस्तुतिकरण के उपागम और क्रियाकलाप, तो इसमें ये प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा ईवीएस का सिक्स यूनिट है प्रयोगात्मक प्रायोगिक कार्य, इसमें चर्चा, समग्र एवं सतत मूल्यांकन, शिक्षण सामग्री, सहायक सामग्री और शिक्षण की समस्याओं से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। ये हो गया है आपका कंप्लीट सिलेबस लेवल वन का। लेवल वन में ये सारे मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। अब हम लेवल टू का देख लेते हैं। रिट लेवल टू के SST का बता रही हूँ मैं आपको, 6 to 8 के लिए। भाग वन है, भाग वन में साइकोलॉजी है जो कि सेम है जो हमने लेवल वन में देखी है, वो कि वही है, सेम है, अंतर नहीं है कुछ भी, सेम का सेम सिलेबस है, इसलिए मैं नहीं बोल रही हूँ, आप देख लीजिएगा इसको।
ये वो के वही टॉपिक हैं सारे, और भाग टू में वही भाषा वन हिंदी है हमारी, तो वो का वही है सेम जो कि हमने लेवल वन में अभी देखा है, तो मैं इसको पढ़कर रिपीट नहीं करूँगी। नेक्स्ट है भाग थर्ड में इंग्लिश, तो इंग्लिश हमारी लैंग्वेज सेकंड थी, तो ये भी वही है सेम है जो लेवल वन में हमने अभी देखा है सिलेबस इंग्लिश का, वो का वही है सेम, आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं SST की, सामाजिक अध्ययन की। इसमें भाग चार हमने पढ़ा लेवल टू में, लेवल वन में तो कितने भाग थे, पाँच, और लेवल टू में है चार भाग। चार भाग में क्या है कि जो चौथा भाग है इसमें भाग पाँचवा नहीं है, इसमें भाग चार में ही 60 क्वेश्चन दे दिए गए हैं और वो 60 मार्क्स के हैं, और ये मैंने सब्जेक्ट लिया है SST सामाजिक अध्ययन का। तो सामाजिक अध्ययन में सबसे पहला जो टॉपिक हमें पढ़ना है वो है भारतीय सभ्यता संस्कृति एवं समाज। इसके अंतर्गत हमें पढ़ना है सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, भारतीय समाज, उसकी विशेषताएं, परिवार, विवाह, लैंगिक संवेदनशीलता, ग्रामीण जीवन एवं शहरीकरण, ये सब हमें इसके अंतर्गत पढ़ना है। यूनिट टू की बात करें तो इसमें हमें मौर्य तथा गुप्त साम्राज्य एवं गुप्तोत्तर काल पढ़ना है। इसके अंतर्गत राजनीतिक इतिहास और इनका प्रशासन, भारतीय संस्कृति के प्रति योगदान, गुप्त काल की सांस्कृतिक उपलब्धियां, और भारत 600 से 1000 ईस्वी का, और बाहरी विश्व से भारत का सांस्कृतिक संबंध, ये वाले टॉपिक हमें इसमें पढ़ने हैं। नेक्स्ट थर्ड यूनिट है मध्यकाल एवं आधुनिक काल। मध्यकाल और आधुनिक काल में हमें पढ़ना है भक्ति और सूफी आंदोलन, मुगल राजपूत संबंध, मुगल प्रशासन, इसके अलावा मध्यकालीन सामाजिक आर्थिक एवं सांस्कृतिक दशा, और इसके अलावा भारतीय राज्यों के प्रति ब्रिटिश नीति, और 1857 की क्रांति, और भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश प्रभाव, और पूर्ण जागरण एवं सामाजिक सुधार, इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1919 से 1947 तक, ही हमने टॉपिक इसमें पढ़ने हैं। नेक्स्ट है भारतीय संविधान एवं लोकतंत्र, तो यूनिट फोर में हमें पढ़ना है भारतीय संविधान एवं लोकतंत्र। इसके अंतर्गत हमें उद्देशिका, मूल अधिकार एवं मूल कर्तव्य, धर्मनिरपेक्षता एवं सामाजिक न्याय, ये सब पढ़ना है। इसके अलावा यूनिट फाइव है सरकार, इसमें पढ़ना हमें गठन और इसका कार्य। इसके अंतर्गत हमें संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और उच्चतम न्यायालय, राज्य सरकार, पंचायती राज, नगरीय स्वशासन, ये सब इसके अंतर्गत हमें पढ़ना है। नेक्स्ट है पृथ्वी के प्रमुख घटक, इसमें हमें स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जैव मंडल, चट्टानों के प्रकार, पृथ्वी की सतह पर परिवर्तनकारी आंतरिक एवं बाह्य शक्तियाँ, ये सब पढ़ना है। और यूनिट सेवन की बात करें तो संसाधन एवं विकास, इसमें हमें पढ़ना है संसाधनों के प्रकार, संसाधन संरक्षण, मृदा, खनिज और ऊर्जा संसाधन, कृषि उद्योग, मानव संसाधन, ये सब इसमें हमें पढ़ना है। एट यूनिट की बात करें तो भारत का भूगोल एवं संसाधन, इसमें हमें भू आकृतिक प्रदेश, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव, बहुउद्देशीय योजनाएं, कृषि फसलें, उद्योग, परिवहन, जनसंख्या, जन सुविधाएं, विकास के आर्थिक एवं सामाजिक कार्यक्रम और उपभोक्ता जागृति, ये सब टॉपिक हमें इसके अंतर्गत पढ़ने हैं। अब बात करें यूनिट नाइन की, तो इसमें हमें राजस्थान का भूगोल एवं संसाधन, इसमें हमें भौतिक प्रदेश, जल संरक्षण एवं संग्रहण, कृषि फसलें, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, परिवहन, उद्योग एवं जनसंख्या पढ़ना है। अब बात करते हैं 10 यूनिट की, तो राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, इसमें राजस्थान के इतिहास और संस्कृति से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें है प्राचीन सभ्यताएं एवं जनपद, राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन और राजस्थान का एकीकरण, राजस्थान की विरासत एवं संस्कृति, इसमें आ जाएंगे आपके किले, महल, मेले, त्योहार, लोक कलाएं, हस्तकलाएं, ये सब हमें पढ़ना है। राजस्थानी साहित्य, पर्यटन, विरासत का संरक्षण, ये सब हमें इसमें पढ़ना है। अब बात करें 11 नंबर की यूनिट, 11 यूनिट में शिक्षा शास्त्री मुद्दे फर्स्ट, इसमें पढ़ना है हमें सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन की संकल्पना, प्रकृति, कक्षा कक्ष की प्रक्रियाएं, क्रियाकलाप एवं विमर्श, और सामाजिक विज्ञान या सामाजिक अध्ययन के अध्यापन की समस्याएं, समालोचनात्मक चिंतन का विकास, ये सब हमें इसके अंतर्गत पढ़ना है। इसके अलावा 12वीं यूनिट है शिक्षा शास्त्री मुद्दे सेकंड,
परीक्षा आनुभाविक साक्ष्य, शिक्षण अधिगम सामग्री एवं सहायक सामग्री, प्रायोजना कार्य और मूल्यांकन, ये सब हमें इसके अंतर्गत पढ़ना है। तो ये हो गया है आपका कंप्लीट सिलेबस, ये मैंने आपको पूरा SST का बता दिया। बाकी सारे टॉपिक्स सेम थे, वो वाले हिंदी के और इंग्लिश के और साइको के, ये लेवल टू में सेम है, बाकी के SST के अलग हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं इसमें। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं, SST शुरू करेंगे, भाग चार शुरू करेंगे SST का, और पहला टॉपिक लेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। तो आपको नेक्स्ट वीडियो मेरा मिलेगा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, काफ़ी बड़ा टॉपिक है, काफ़ी पार्ट्स बनाए हैं मैंने इसके, आप ज़रूर से देखिएगा ये वीडियो। तो जल्द ही इसकी तैयारी शुरू करवाई जाएगी इसी चैनल पर, तो आप बने रहें इस चैनल के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।